Hello students, myself Professor Anil Kumar. In the last lecture I have just introduced you with the subject information system design and implementation. Now today I'll discuss some other topics of the subject. Firstly, we will discuss what are the elements of a system. In the last class we have studied about what system is, system ka kya matlab hota hai. और आज की जो क्लास है हम इसमें स्टडी करेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंट ऑफ अ सिस्टम कि एक सिस्टम का एनवायरमेंट कैसा कैसा होता है या उसके जो एनवायरमेंट में है क्या क्या चीज़ें जो है हम इंक्लूड करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की. सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम. तो एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम में बेसिकली इसमें जो है फाइव एलिमेंट्स हैं सिस्टम के. कोई भी सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले आपको क्या देनी पड़ती है, कोई इनपुट देनी पड़ती है. आप कोई इनपुट जो है वो सेंड करते हो सिस्टम को, इनपुट उसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग करता है. प्रोसेसिंग होने के बाद आपको एक आउटपुट मिलती है. सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट. ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो सिस्टम है वो कंट्रोल का काम भी करता है, वो कंट्रोलिंग भी करता है. और जब आपकी आउटपुट आती है तो उसके बेसिस पे आप सिस्टम को जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करते हो कि उसने जो काम किया है, काम करके आपको जो आउटपुट दी है वो सही है या नहीं. उस फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है इनपुट जो है वो चेंज की जाती है या वो सेम रखी जाती है. तो किसी भी सिस्टम में ये फाइव एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंट्रोल एंड फीडबैक. ये फाइव आपके एलिमेंट्स हैं सिस्टम के. तो इनपुट का क्या मतलब है, आपका कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी रॉ डेटा हो सकता है, ठीक है, जिसको आपने प्रोसेस करवाना है. ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो इनपुट दी गई है उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कुछ चेंजेस करनी है ताकि आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो मिल सके. ठीक है, प्रोसेसिंग में एक या एक से ज़्यादा भी आपकी एक्टिविटीज हो सकती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, इसमें एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है, एक्टिविटीज यानी कि आपने डेटा को क्लासिफाई करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ सॉर्टिंग करनी है, या आपने कोई समरी बनानी है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग. जैसे मान लीजिए आपने इनपुट दे दिया डी ई एफ, उसके बाद ई ए सी, ये आपका जो है वो इनपुट है किसी सिस्टम को, और आप चाहते हो कि सिस्टम उसको सॉर्ट करके दे. तो ये जो आपका सीपीयू है या आपका जो कंप्यूटर है ये क्या करेगा, इसको इसकी सॉर्टिंग वगैरह करेगा और आपको मॉनिटर पे इसकी जो सॉर्टेड वर्जन है वो आपको दे देगा, ए सी डी ई एंड एफ. तो हुआ क्या, ये आपका डेटा, ये क्या बन गया आपका इनपुट. इसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग की, कुछ एक्टिविटीज़ की, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की, और फाइनली आपके पास क्या आ गई, ये आउटपुट आ गई इस फॉर्म में. ठीक है, तो प्रोसेसिंग में आप क्या कर सकते हो, प्रोसेसिंग में बेसिकली हम जो हैं वो चार तरह के जो काम हम मेनली करते हैं. पहले होते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जो हमने सी प्लस प्लस में क्लासेस पढ़ी थी कि अगर दो चार कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उनके फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप उनकी एक क्लास बना देते हो, यू क्लासीफाई इट, आप उसको क्लासिफिकेशन कर देते हो, अरेंज कर देते हो डाटा को अलग अलग क्लासेस में. सॉर्टिंग नेक्स्ट होता है, इसमें आपने ए टू जेड या जेड टू ए या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आप सॉर्टिंग कर देते हो डेटा की. कैलकुलेशंस यानी कि आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडिफिकेशन, किसी तरह की कोई कैलकुलेशन जो है वो करनी है. कैलकुलेशन आपकी सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है. उसके बाद समराइजेशन होता है कि आपका डेटा बहुत सारा है, उसमें से आप कुछ समरी बना देते हो. ठीक है, आपकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाती है, सारा कुछ दे दिया, उसमें से देख लिया कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो आपको निकाल के दे दी, उसको हम बोल देते हैं समराइजेशन. ठीक
ठीक है। तो ये होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिकली फोर पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आती है आपकी आउटपुट, आउटपुट जो फाइनली आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट आता है। सो आउटपुट आप बोल सकते हो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब फीडबैक क्या होता है कि आपने आउटपुट जो आपको मिली है सिस्टम के थ्रू उसके बेस पे आप कुछ चेंजेस करते हो इनपुट में, ठीक है, कि आपके आउटपुट सही नहीं आई या सही आई, या इनपुट को इस तरह देना चाहिए था तो आउटपुट कुछ इस तरह आती। तो यू ट्राई टू मेक एन इक्विलिब्रियम, आप क्या करते हो इनपुट और आउटपुट, या आप कह सकते हो पूरे सिस्टम में आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट को बनाने की कोशिश करते हो कि आप इनपुट उस ढंग से दोगे जिस ढंग से आपको आउटपुट चाहिए, जिस तरह के आपको आउटपुट चाहिए आप उसी तरह की इनपुट जो है सिस्टम को देने की कोशिश करते हो। दूसरा जो फीडबैक है वो आपके कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। आपके डिपेंडिंग अपॉन योर फीडबैक द सिस्टम इज ट्राइंग टू कंट्रोल द प्रोसेसिंग, जो सिस्टम है वो प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है, ठीक है। तो ये थे आपके एलिमेंट्स। आपके सिस्टम में फाइव एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट मीन्स आप जो डेटा है, रॉ डेटा है, प्रोसेसिंग जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है या कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, और आउटपुट क्या है आपका रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग है। फीडबैक हम क्यों करते हैं, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद इन अ सिस्टम एंड टू हेल्प अस टू कंट्रोल द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द सिस्टम। फीडबैक की हेल्प से आप कंट्रोल भी जो है मेंटेन करके रखते हो सिस्टम के ऊपर अपना। उसके बाद आएगा आपका इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, कि आपका जो सिस्टम है उसका इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा इन्वायरमेंट ऑफ सिस्टम, कि आपके सिस्टम का इन्वायरमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो है वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, हम ये छः तरह का जो हमें कंसेप्ट्स हैं वो मिलते हैं इन्वायरमेंट के केस में। तो सबसे पहला क्या कंसेप्ट है आपका, बाउंड्री। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, बाउंड्री, या आप ओवरऑल सभी को क्या बोलते हो, इन्वायरमेंट, कि हर सिस्टम की एक बाउंड्री होती है, ठीक है, वो उस विद इन उस बाउंड्री में ही आपका जो सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। सराउंडिंग, किसी सिस्टम की आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्रोडक्शन सिस्टम ले लो, तो प्रोडक्शन, आप यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट ले लो, और लास्ट में आप ले लो सेल्स। तो ये आपके तीन अलग अलग सिस्टम हैं, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स। प्रोडक्शन का काम क्या है, चीज़ों को सिर्फ बनाना। तो इसकी बाउंड्री कहाँ लिमिट हो गई, इस जगह की, ये चीज़ों को सिर्फ बना सकता है, बेच नहीं सकता। जो बेचने का काम है वो किस सिस्टम का काम है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, और जो प्रोक्यूरमेंट का काम है उसका काम क्या है, खरीदना। तो हर एक की बाउंड्री फिक्स्ड है, ये सिर्फ खरीद सकता है, बना नहीं सकता। प्रोडक्शन सिस्टम बना सकता है, खरीद नहीं सकता। सेल्स सिस्टम ना बना सकता है ना खरीद सकता है, सिर्फ वो बेच सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह जो हर सिस्टम है उसकी कुछ ना कुछ बाउंड्री होती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, विद इन ऑफ बाउंड्री में ही वो आपका जो सिस्टम है वो काम करता है। उसके बाद होता है आपका इंटरफेस। इंटरफेस जो वर्ड है ये दो शब्दों से बना होता है, इंटरफेस यानी कि दो बंदों के बीच में जो है कोई बंदा जो एक मीडियोकर की तरह काम करता है उसको हम बोल देते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो जैसे इसकी हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एक यूज़र हो और आप किसी कंप्यूटर को असेस करना चाहते हो, तो आपको क्या दे रखा होता है हमने, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे भी आई का मतलब क्या होता है, इंटरफेस, मतलब आप कंप्यूटर की मशीन को यूज़ करना चाहते हो, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट असेस द मशीनरी ऑफ अ कंप्यूटर, यू कैन ओनली गिव द कमांड्स और असेस द मशीनरी ऑफ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ दिस GUI। अगर आपने कोई ड्राइव खोलनी है तो आप माई कंप्यूटर के थ्रू जाते हो और उस ड्राइव को ओपन करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, GUI का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं, तो एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम को कोई डेटा सेंड करता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सिस्टम है, जैसे प्रोक्यूरमेंट वाला ही कुछ सिस्टम है, प्रोक्यूरमेंट का ही सिस्टम है, और यहाँ पे जो है प्रोडक्शन का कुछ सिस्टम है। तो जब ये प्रोक्यूरमेंट का डाटा जो है प्रोडक्शन में जाएगा,
तो थ्रू किससे जाएगा? इंटरफेस। इंटरफेस के थ्रू क्यों जाएगा? प्रोक्यूरमेंट में उन्होंने सामान खरीदा, उसके कुछ बिल बना, कुछ उसके पास सामान आया। अब प्रोडक्शन को बिलिंग के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ क्या चाहिए? रॉ प्रोडक्ट चाहिए। तो रॉ प्रोडक्ट ही सिर्फ जाएगा इस इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो कुछ सामान पड़ा है वो सारा का सारा इधर नहीं जाता, उसमें से कुछ चीज़ें जाती हैं और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं सेंटर में? इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस के थ्रू हम डेटा जो है वो सेंड करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका ब्लैक बॉक्स। थर्ड जो पॉइंट है वो आता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? ये एक बॉक्स है, वो ब्लैक है। ब्लैक मीन्स उस बॉक्स में क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ उसमें अवेलेबल है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या डालते हो? सिर्फ इनपुट डालते हो और आपको क्या मिलती है? आउटपुट। इसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? जब आपका सिस्टम कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है और वो प्रोसेसिंग की डिटेल्स आपको नहीं पता, यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द सिस्टम इज एक्चुअली डूइंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग ऑन अ इनपुट, यू आर ओनली कंसर्न्ड। आपका कंसर्न सिर्फ कितना है कि आपने इनपुट देना और आपको ये आउटपुट चाहिए। वो आउटपुट कैसे आएगी, वो आउटपुट क्यों आई, आपने उसको वेरीफाई किया नहीं किया, आप सिर्फ क्या वेरीफाई कर रहे हो? जो आप एक्सपेक्टेड थी वो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और इस सिस्टम ने उसको कन्वर्ट कैसे किया वो आपको नहीं पता। इसके आप सिंपल से एग्जांपल ले लो, कोई प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें इनपुट आपने डाली, आपको पता ये प्रोग्राम ऐड करता है, ठीक है। आपने किया 2 + 5, आपने वैल्यू एंटर की और आपको आउटपुट आ गई 7। तो आपने आपको एक्सपेक्टेड था 7 आएगी, 7 आ गई, ओके। आपने नहीं देखा कि ये प्रोग्राम सी में लिखा गया है, जावा में लिखा गया है, कितनी लाइंस ऑफ कोड है, कौन सी क्लास को यूज़ किया है, कौन से वेरिएबल्स को यूज़ किया, आप उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हो या आपको उसकी डिटेल नहीं पता। तो वो क्या है? आपका ब्लैक बॉक्स सिस्टम होता है। व्हाइट बॉक्स सिस्टम इससे उल्टा होता है, जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स पता होती हैं कि ये कौन सी लाइंस हैं, कोड कहाँ गया, कंट्रोल कैसे जा रहा है, कौन सा वेरिएबल है, क्या प्रोसेसिंग कर रहा है, आपको सारी डिटेल्स जो है वो पता होती हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स सिस्टम। जो अगली एलिमेंट सॉरी इन्वायरमेंट का जो आपका कंसेप्ट है, दैट इज़ डीकम्पोजिशन। ये हमने कल भी पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? आपने किसी सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ना है और आपने तब तक तोड़ते रहना है जब तक कि वो मैनेजेबल ना हो। जैसे आपका सी का कोई प्रोग्राम होता था या सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम होता था, आप उसको छोटे छोटे फंक्शंस में तोड़ते रहते हो, तब तक तोड़ते रहते हो जब तक आपको ये नहीं लगता कि ये जो फंक्शन है ये मैनेजेबल है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में बॉड मास पढ़ा होगा, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एड एंड सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास बहुत बड़ी स्टेटमेंट हुआ करती थी, आप उसको डिकम्पोज कैसे करते थे? सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर आपने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। मतलब आपकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। इसी तरह आपका सिस्टम है उसको भी हमने डिकम्पोज कर रखा होता है। जैसे आपका मान लो कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेज का आपका एजुकेशन सिस्टम है, तो इसको हम आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि सबसे पहले आप क्या करते हो? एडमिशन लेते हो। तो सबसे पहले काम क्या हो गया? एडमिशन। उसके बाद आप क्लासेस जो है वो अटेंड करते हो, फिर जो है आप एग्ज़ाम देते हो, और फिर आपको फाइनली क्या मिलता है? रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह आपने एजुकेशन सिस्टम को सब सिस्टम्स में बांट दिया। अब एडमिशन को आप फर्दर भी बांट सकते हो कि BCA का एडमिशन और तरह होगा, BSC का और तरह कुछ होगा, BSC एग्रीकल्चर का कुछ और तरह होगा। तो ये आप एडमिशन के प्रोसेस को भी फर्दर जो है आगे डिवाइड कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। जो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है वो है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये भी हमने कल देखा था। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कि दो सिस्टम में आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड है। वो कॉमनली किसी सिंगल टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं आपस में। ये नहीं है कि अगर ये डाटा इधर भेज देगा तो ये इसको डाटा ख़राब करके वापस भेज देगा। इंटीग्रेशन होगा आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है सारी ऑर्गेनाइजेशन का वो कॉमन होता है। तो ये जो सारे सिस्टम है ये आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि ये किसी कॉमन टास्क को पूरे करने की जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी जो आउटपुट आएगी या इसकी आउटपुट होगी वो फाइनली किसी सिंगल टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका एडमिशन हुआ, क्लासेस भी लग रही हैं, आपका एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, तो ये सारा
क्या कर रहा है, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, आपको एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे चारों सिस्टम मिलके ये चारों क्या कर रहे हैं, आपको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन आपस में इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक किस्म से डिपेंडेंट है आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है वो आता है आपका फीडबैक कंट्रोल, ठीक है। फीडबैक जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया है कि फीडबैक का मतलब क्या है, आपका कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट थी, आपकी वो आउटपुट आई या नहीं आई, उसके बेस पे आप फीडबैक दे देते हो कि इसके फीडबैक के अकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो अपना कंट्रोल चेंज करता है या इनपुट की वैल्यू चेंज करता है ताकि एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो आ सके, ठीक है। फीडबैक हम किसी भी सिस्टम को क्यों देते हैं, ताकि वो सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इम्प्रूव हमें क्या करना होता है, नॉर्मली सिस्टम की परफॉर्मेंस, सो वी वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो स्पीड की फॉर्म में या आप आउटपुट की एक्यूरेसी की फॉर्म में, तो ये परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट होती हैं ये अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो मेनली हम फीडबैक का यूज़ क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। कैसे करते हैं, आइदर वी मॉडिफाई द इनपुट, या तो हम इनपुट को मॉडिफाई कर लेते हैं या हम कंट्रोल को जो है मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और फीडबैक किसके बेसिस पे दिया जाता है, किसी सिस्टम की आउटपुट के बेसिस पे, बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटपुट के बेस पे आप फीडबैक देते हो कि आपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। आप इनपुट को मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर फीडबैक के बेस पे, या आप कंट्रोल को जो है मॉडिफिकेशंस करते हो। तो ये था एलिमेंट्स एंड एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने बुक फॉलो करनी है तो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, पुनीत वाधा की बुक है इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कल्याणी पब्लिशर्स की। तो आप इस बुक को जो है एज अ रेफरेंस फॉलो कर सकते हो। मैं भी अपने लेक्चर्स में इसी बुक को एज अ रेफरेंस जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। इट इज़ एज़ पर द सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सो थैंक यू वेरी मच। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।